इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज का आखिरी T20 मैच खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका की शानदार बैटिंग रही। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 227 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे। साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक ने 68 रन की इनिंग खेली। बावुमा जो कि कप्तान थे उन्होंने 3 रन बनाए। रायली रोसो जो कि लास्ट 2 T20 में 0 पर आउट हुए थे और आज उन्होंने 48 बॉलों का सामना करते हुए सेंचुरी स्कोर की। स्टूप्स ने 23 रन बनाए और डेविड मिलर जो कि किलर है उन्होंने 5 गेंदों पे 19 रन की शानदार इनिंग खेली। उन्होंने छक्के लगाए लास्ट ओवर में और नो डाउट रहे 5 गेंदों पे 19 रन बनाए। और इस तरह साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए तीसरे T20 में 20 ओवर में 227 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे। रायली रोसो जो के 2 T20 में कुछ खास ना कर सके थे, लेकिन आज तीसरे T20 में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और टॉप बैट्समैन रहे मैच के। और बॉलिंग की बात करें तो इंडिया की बॉलिंग में दीपक चाहर ने 4 ओवर में 11 डॉट कराई, 48 रन देके 1 खिलाड़ी को आउट किया। मोहम्मद सिराज ने आज कमबैक किया, 4 ओवर में 44 रन दिए। रविचंद्रन अश्विन ने 4 ओवर में 35 रन दिए। उमेश यादव ने 3 ओवर में 34 रन दिए, 1 विकेट हासिल करी। हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 49 रन दिए। अक्षर पटेल ने सिर्फ 1 ही ओवर कराया और उन्होंने 1 ओवर में 13 रन दिए। दोस्तों इंडिया की बॉलिंग को इम्प्रूव होना पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिए, जो कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है बॉलिंग में। और जसप्रीत बुमराह भी उनके स्कोर से बाहर हो गए वर्ल्ड कप के लिए। और इंडिया को अच्छी बॉलिंग लाइनअप करनी पड़ेगी मैचेस के लिए। और ये था इंडिया की बॉलिंग और 228 रन का टारगेट दिया इंडिया टीम को, जिसके जवाब में इंडिया टीम 178 रन पर ऑल आउट हो गई। 19 ओवर की तीसरी डिलीवरी पे इंडिया टीम ऑल आउट हो गई। इंडिया की तरफ से दिनेश कार्तिक ने आज अच्छी बैटिंग करी और मज़ा आया उनकी बैटिंग देख के। उन्होंने 21 गेंदों पे 46 रन बनाए और दीपक चाहर ने 17 गेंदों पे 31 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 14 गेंदों पे 27 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से बॉलिंग में प्रिटोरियस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। केशव महाराज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और पारनील ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और साउथ अफ्रीका 49 रन जीत गया, लेकिन इंडिया ने आज अच्छी क्रिकेट खेली। बॉलिंग में वो कुछ अच्छा नहीं करे, लेकिन बैटिंग में आज ना विराट कोहली थे और केएल राहुल भी टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी इंडिया आज अच्छी क्रिकेट खेली, तेज़ क्रिकेट दिखाई दिए और चेस नहीं कर सके, लेकिन वो क्रिकेट अच्छी खेल लिए और सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर लिए इंडिया टीम ने। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।